Rabu tera kizi kalisya. Yeshu ke naam mein taiyar kijiye. प्रार्थना करना चाहते हैं टू पे फॉर यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ट्रांसलेट करो वी आर हियर टू प्रे फॉर यू Translate kar iso. We are here to pray for you. Translate kar sakte aap. Translate kijiye mere liye ye baat. We are here to pray for you. To pray for you. हम यहाँ पर सुन रहे हैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे. We are waiting for your prayer request. हम आपकी प्रार्थनाओं का इंतजार कर रहे हैं. If you want to be, we pray for you. अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें. So just send us your prayer request. So you can send your prayer request. So आप अपनी प्रार्थनाओं को हमें भेज सकते हैं. So we can pray for you. ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें. Because the word of Holy God says. परमेश्वर का वचन कहता है बुक ऑफ फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 1 सेज फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 1 सेज अध्याय नंबर 1 द वर्ड ऑफ गॉड सेज परमेश्वर का वचन कहता है प्रे फॉर ईच अनदर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो बिकॉज़ व्हेन यू विल प्रे फॉर ईच अनदर जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं द माइटी पावर विल टच देम परमेश्वर की सामर्थ आपको टच करती है एंड व्हेन वी प्रे द माइटी पावर विल टच यू एंड डिलीवर यू द माइटी पावर ऑफ द होली गोस्ट विल टच यू एंड देन इट विल ब्रिंग यू इन सल्वेशन ऑफ गॉड जब परमेश्वर की सामर्थ आपको छूती है तो एक बड़े उद्धार को लेकर आती है हां इन जीसस माइटी नेम परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आई एम टेलिंग यू अगेन इफ यू वांट टू बी प्रे वी कैन प्रे फॉर यू सो सेंड यू कैन सेंड योर प्रेयर रिक्वेस्ट्स हम आपको दोबारा कहना चाहते हैं अगर आप अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप अपनी प्रार्थनाओं को हमें भेजिए वी आर हियर टू प्रे फॉर यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स हम आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और प्रार्थना करने के लिए आपके साथ हैं ओनली बिकॉज़ ऑफ द माइटी ग्रेस ऑफ गॉड वी आर हियर टू प्रे फॉर यू सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे बिकॉज़ द वर्ड ऑफ गॉड सेज क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय में चैप्टर 5 उसके पांचवें अध्याय में वर्स 16 सेज 16 वचन कहता है जस्ट कन्फेस योर सिन अपने अपने पापों का अंगीकार करो front of your brother and sisters अपने भाई और बहनों के सामने and just forgive each other और एक दूसरे को माफ करो and when you will forgive each other और जब आप एक दूसरे को forgive each other जब आप एक दूसरे को माफ करते हो and when you will confess convince your sins before your brother and before your sisters और आप अपने अपने पापों को अपने भाई और बहनों के सामने मानते हो when you will confess जब आप अंगीकार करते हो when you convince जब आप अंगीकार करते हो जब आप अंगीकार करते हो then the holy god says तब पवित्र आत्मा कहता है who are weak in you जो आपके अंदर कमजोरी है whosoever in weak in you जो आपके अंदर कमजोरी है जो आपके झुंड में कमजोर है so pray for them
उनके लिए प्रार्थना करें. बिकॉज क्योंकि By the righteous prayer, धर्मी जन की प्रार्थना, By the righteous prayer, धर्मी जन की प्रार्थना, Many things will be happen. सब कुछ संभव हो सकता है. Many things will be happen. बहुत कुछ संभव हो सकता है. Everything will possible by righteous prayer. हर कुछ पॉसिबल है. For the verse 17 says, 17 वचन में कहता है, Elijah was like a man. एलिया ने एक आदमी को देखा. Elijah was like a man. एलिया एक मनुष्य की तरह था. एलिया वाज लाइक अ मैन. एलिया एक मनुष्य की तरह था. हु वाज सफरिंग विद मेनी सिचुएशंस. वो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा था. लाइक वी सफरिंग इन क्राइस्ट मेनी थिंग्स. ऐसे ही हम भी मसीह में जूझते हैं हर एक परेशानी. बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, एलिजा हैज बाउड डाउन बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड. व्हेन एलिजा हैज बाउड डाउन बिफोर गॉड. जब एलिया ने अपने घुटनों को टेका यीशु मसीह के सामने. When Elijah has bowed down before God, जब एलिया अपने घुटनों को टेकता है परमेश्वर के सामने. Then the word of written over there, the scripture is written like that. वचन इस तरीके से वहां पे कुछ लिखा है. The scripture is written like that. वचन वहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है. When Elijah has prayed, जब एलिया ने प्रार्थना की, the heaven was open. स्वर्ग खुल गया. The rain came. और वर्षा होने लगी. The rain came. And वर्षा होने My लगी. My dear brother and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहन, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, when you will pray, जब आप प्रार्थना करोगे, for your brother, for your sisters, अपने भाई और बहनों के लिए, the heaven will be opened. स्वर्ग खुल जाएगा. And the blessings will come. और आशीष आ जाएंगे. Curse will open. और आपके बंधन टूट जाएंगे. The devil will run away in the name of Jesus. और शैतान भागेगा यीशु मसीह के साथ. Salvation will come. उद्धार आएगा यीशु मसीह. The mighty power will come. यीशु मसीह की सामर्थ्य आएगी. And when salvation will come, और जब उद्धार आएगा, the brother who are weak in you, और जो आप कमजोर हो, who are weak in you, जो आपके अंदर कमजोरी है, will receive strength. और आपको मजबूती मिलेगी. They will receive strength by the grace of God. और वे मजबूती को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. That's why I want to tell you again, my dear brother. मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय और भाई बहनों. That's why I want to tell you again, my dear brother. मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों. My dear sister, I want to tell you again. मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ. My dear sister, I want to tell you again. मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों. If you need any prayer support, we are here to pray for you. अगर आपको किसी भी तरह की प्रार्थना की जरूरत है, हम आपके साथ हैं मेरे प्रिय भाई बहनों. If you are suffering, अगर आप जूझ रहे हैं, if you are suffering, अगर आप जूझ रहे हैं, रेम ब्रहा जेतेम ब्रहो सोखो ब्रहा साबा, if you are suffering, my dear brothers and sister, my dear family in Christ, I want to tell you today the night of the blessings and all the curse are going broken from your life in the name of Jesus. अगर मेरे प्रिय और भाई बहनों, अगर आज रात आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको छुटकारा मिलेगा. Every curse are going to broken. हर एक श्राप टूटेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. Every sickness will be run away. हर एक कमजोरी जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. Every weakness will bow down before you. हर एक कमजोरी टूटेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. No need, you will bow down before the weakness. आपको अपनी कमजोरी के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है. No need to bow down before your sickness. आपको अपनी परेशानियों के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है. No need to bow down before your situations. आपको अपनी समस्याओं के सामने झुकने की जरूरत नहीं है. Just my dear, I want to tell you that just you need bow down before Holy Spirit. मेरे प्रिय और भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने यीशु मसीह के सामने घुटने को टेके. When you before Jesus, यीशु मसीह के सामने टेकोगे, something will happen. कुछ होगा. Something will happen. कुछ बड़ा होगा. And what will happen? I want to tell you that. और क्या होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. I want to tell you that. मैं आपको बताना चाहता हूँ. Because James chapter 4 verse 7 says. याकूब के पत्री उसका 4 चौथा अध्याय. Book of James chapter 4. याकूब के पत्री उसका चौथा अध्याय. Book of James chapter 4. याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय. Book of James chapter 4. याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय. Verse 7 says. वचन सात कहता है. Verse 7 says, just open your Bible. वचन सात कहता है. Just written like that. वहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है. Just written like that. वहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will fly from you. हाँ. Chapter 4 verse 7. तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? Chapter 4 verse 7 says. इसलिए
इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। I submitted yourself. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। Before God. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। And to go resist the devil. और शैतान का सामना करो। And he will. और वह fly from you. तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। I want to tell you the reason, the secret of that word. मैं आपको परमेश्वर के इस वचन का भेद बताना चाहता हूँ। I want to what God has Holy Spirit is revealing me. I want to explain that one only. परमेश्वर का वचन मुझे क्या प्रकाशन दे रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। By the power of the Holy Spirit. परमेश्वर की पवित्र आत्मा सामर्थ्य। By the grace of God. परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा। By the grace of God. परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा। Which is upon me. जो मेरे ऊपर है। Which is inside of me. जो मेरे अंदर है। The word of God says first book of John chapter 1 verse 14 says. परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पत्री उसके chapter 1 उसके पहले अध्याय verse 14 says. उसके 14 वचन में कहता है। Written over there, word became flesh. वहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह से कहता है। Word became flesh. शब्द देह को धार लिया। शब्द ने देह को धारण किया। And full of grace. और बड़े अनुग्रह के साथ। And full of truth. और पूरे सत्य के साथ। He became center of all of us. वो हमारे बीच में आया। Hallelujah. Hallelujah. I want to tell you, my dear brothers and sisters. मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। I want to tell you. मैं आपको बताना चाहता हूँ। I want to tell you. मैं आपको बताना चाहता हूँ। I want to tell you. मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। What Holy Spirit has teached me. पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कहा? Whatever I learned from the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा से क्या सुनता हूँ हमेशा? Not from any man. किसी मनुष्य से नहीं। But from Holy Spirit. सिर्फ केवल और केवल not by any power of any man. ना कि किसी मनुष्य की सामर्थ्य के द्वारा। No the wisdom of any man. ना कि किसी मनुष्य की बुद्धि के द्वारा। By the wisdom of Holy Spirit. केवल और केवल पवित्र आत्मा की बुद्धि के द्वारा। By the wisdom of the Holy Ghost. केवल और केवल पवित्र आत्मा की बुद्धि के द्वारा। पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा। The Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। Yes, I want to tell you that. मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। Whatever I have learned. कि मैंने क्या सीखा है। The word of grace submitted yourself. Submitted yourself. Chapter of James, book of James, chapter 4, verse 7 says. परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। And resist the devil. और शैतान का सामना करो। And the devil will fly from you. और शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। You know, remember that before 5 minutes I was told you that no need to bow down before your sickness. मैंने आपको कुछ ही समय पहले बताया था कि अपनी परेशानियों के सामने अपने घुटनों को no need to bow down before your weaknesses. कोई भी जरूरत नहीं है आपको अपनी परेशानियों और मुसीबतों no के सामने झुकने की। Bow down before your situations. कोई भी जरूरत नहीं है आपको अपनी परिस्थितियों के सामने झुकने की। No need to bow down before your whatever is going on in your life, in your business life, in your family, and whatever is going on. No need to bow down before that all. आप अगर आपके बिजनेस में आपके परिवार में कुछ भी चल रहा हो कुछ भी गड़बड़ी चल रहा हो लेकिन आपको कोई भी जरूरत नहीं है उनके सामने घुटने टेकने की। Because क्योंकि the word says परमेश्वर का वचन कहता है। Holy Spirit says पवित्र आत्मा कहता है। Submitted yourself before God परमेश्वर के अधीन हो जाओ। Submitted yourself to God परमेश्वर के अधीन हो जाओ। And when you will submitted yourself जब आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हो और शैतान का सामना करते हो भाग निकलेगा। रे ब्रास संदी ब्रूसा था ब्रहा से के ब्रूसा होली स्पिरिट कलिसिया जस्ट प्रे द माइटी होली स्पिरिट इज वर्किंग हियर। यस 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 आई वाज जस्ट गोइंग टू आई वाज जस्ट मैं जस्ट प्रेयर करने के लिए जा रहा लेकिन होली स्पिरिट कैसे रिवील्ड कर आई डोंट नो। आज मैं फर्स्ट टाइम इंग्लिश टू हिंदी से लाइव प्रीच कर रहा हूं। रे ब्रहा से I want to tell you. मैं आपको बताना चाहता हूँ। Brother Chan, farmer, free bondages which is against your marriage, I के खिलाफ जो भी बंधन है उन्हें मैं तोड़ता हूँ। In Jesus mighty name. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। Right now I want to give you. मैं आपको अभी एक भविष्यवाणी का शब्द दे रहा हूँ। The new doors will be open for you. खुल रहे
रहे हैं in Jesus mighty name. यीशु मसीह के नाम में. Financially doors are opening. आपके लिए धन के मार्ग खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में. Financially doors are opening. यीशु मसीह के नाम में धन के लिए मार्ग खुल रहे हैं आपके लिए. ब्रह्म जिंदे प्रभु. I want to tell you. मैं आपको बताना चाहता हूँ. What I was telling. जब मैं आपको जो बता रहा हूँ. What जो मैं बता. I want to become there. I want to become over there. मैं वहाँ पे आना चाहता हूँ. मैं वहाँ पर आना चाहता हूँ. What I was telling. जो मैं आपको बता रहा था. Just no need to bow down any situation whatever. वो भी आप जो भी परिस्थिति आपके विरुद्ध चल रही है आपको उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं है. You know why? You आपको पता है क्यों? जानते हो? Do you know why? क्या आप जानते हो? Many times what we think ना? Why God is what going on? What the hell is going on? My fasting. I'm always fellowship with you. Always I'm attending church and many things are there. Lord, why that all going on with me only? आप कई बार ये कहते हैं कि परमेश्वर मैं इतनी प्रार्थनाएं करता हूँ, इतना वचन पढ़ता हूँ, मैं संगति करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? बहुत बार सोचता हूँ. But do you know why? लेकिन आपको बताएं क्यों? Just I want to tell you. मैं आपको बताना. Before that on. We bow. Many times we bow down before that sickness, that situation, what was going on. हम कई बार अपनी परिस्थिति के सामने घुटने खाने की देते हैं. But okay, that's going on. Do Lord, was that's fine. और हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं नहीं कर सकता बस. No. The Holy Spirit says. लेकिन पवित्र आत्मा कहता है. Hey, be careful. आप सावधान रहिए. Hey, be careful. आप सावधान रहिए. It's not your destiny. ये आपकी पहचान नहीं है. It's not your destiny. ये आपकी मंजिल नहीं है. It's not your destiny. ये आपकी मंजिल नहीं है. It's not your destiny. ये आपकी मंजिल नहीं है. But it's your beginning. ये आपकी शुरुआत है. In Jesus mighty name. यीशु मसीह के नाम में. Do you know? आपको पता है? The word says resist the devil and he will fly from you. The word. Resist the devil. जब आप शैतान का सामना करोगे, the word is written like this. परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह से कहता है, just submit to yourself. आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो, he will fly from you. और वह आपके सामने से भाग जाएगा. What is the meaning of that? इसका मतलब क्या है आपको पता है? Many times we read but don't understand. कई बार हम पढ़ते हैं लेकिन हम समझते नहीं. Many times we read but never understand. हम बहुत बार पढ़ते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझते. But many times, oh God, your word says. But what is the meaning of that? Actually, we don't know. कि शैतान भाग जाएगा लेकिन हम समझते नहीं कि क्या होगा. But I want to tell you. मैं आपको बताना चाहता हूँ. The meaning. इसका मतलब. Means devil means when you the situation when it came in your life, who will bring that situation in your life? जब मुसीबत आपके लाइफ आपकी जिंदगी में आती हैं. Who are we bringing that situation? और उन परेशानियों को कौन आपके सामने लेकर आता है? First of all, because of your mistake. और सबसे पहले आपकी जो आपने गलतियाँ आपकी because क्योंकि हम एक इंसान है. We are natural human. हम मसीह नहीं है. We are not Jesus. We are follower of मसीह के पीछे. Hallelujah. Hallelujah. We are not the Christ. हम यीशु मसीह नहीं है. But we are the follower of Christ. हम सिर्फ उसका पीछा करने वाले हैं. But if we are follower of Christ. अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं. So it means what? तो इसका मतलब क्या है? It means what? तो इसका मतलब क्या है? We are follower. हम उद्धार का पीछा करने वाले हैं. We are. हम अनंत जीवन का पीछा करने वाले हैं. We are follower of the blessing. यीशु का पीछा करने वाले हैं. If we are follower of Christ. अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं. So we are not a follower of sicknesses. तो हम मुसीबतों के पीछे चलने वाले नहीं. So we are not a follower of weaknesses. तो हम कमजोरी के पीछे चलने वाले नहीं है. How can we bow down before it all? So how can we bow down before that all? तो हम कैसे तुरंत के सामने घुट कैसे टेकें? हाँ, hey, are you understanding now? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? The devil fly from you means like this.
devil. Fly from you, it's meaning like this. शैतान आपके सामने से भागेगा, इसका क्या मतलब है? Means like this. इसका मतलब क्या है? It means like this. इसका ये मतलब है. Devil fly meaning. हाँ, शैतान आपके सामने से भागेगा, इसका मतलब. The poorness will be run from you. गरीबी आपको छोड़कर भागेगी. Curse will be fly from you. शराब टूटेंगे आपके. The doors will be open for you. आपके नए रास्ते खुलेंगे. The barriers will be break for you. बंधन टूटेंगे आपके. यीशु के नाम में. When you will sick, जब आप कमजोर होते हैं, you have to say that. आपको ये कहना. I have eternal power. मेरे पास अनंत जीवन की पावर है. I have eternal power. मेरे पास अनंत जीवन की सामर्थ है. I am not weak. मैं कमजोर नहीं हूँ. But I have full of strength. I have full of. I am full of strength. मैं ताकत से भरा. मैं ताकत से भरा हूँ. I am full of. मैं ताकत से भरा हुआ हूँ. That strength is not mine. Strength of that. ये स्ट्रेंथ, ये जो मसीह के अनुग्रह से है. हालेलुया. Because the word says. परमेश्वर का वचन कहता है. Book of Matthew. मत्ती की पुस्तक. Chapter 16. Verse 18 says. और वचन 8. Jesus talked to Peter. यीशु मसीह पतरस से कहते हैं. You are the rock. आप चट्टान हो. And I will make the church on this rock. और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा. And the power of the darkness will be not possible, not able in you to destroy you. और अंधकार की सारी शक्तियां तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकती और ना तुम्हें गिरा सकती हैं. I want to tell you. मैं आपको बताना चाहता हूँ. If you have built your faith in Christ. अगर आप अपना विश्वास यीशु मसीह में मजबूत करते हैं. If you built your faith in the word of God. अगर आप अपना विश्वास परमेश्वर के वचन पर मजबूत करते हैं. No one can have a power to destroy you. किसी के अंदर वो सामर्थ नहीं कि जो आपको गिरा सके. Not of any man. ना ही किसी मनुष्य के अंदर. Any situation. नहीं किसी परिस्थिति में. Any weakness. नहीं किसी कमजोरी में. Whatever is going to no have a power to destroy you. Whatever. That no have power to destroy you. और किसी भी चीज में वो सामर्थ नहीं कि वो आपको गिरा सके. But. लेकिन. Whatever will become. Whatever be. Whatever will come. Whatever be. हाँ, whatever will come. जो कुछ. Whatever will come. Welcome. जो कुछ आएगा. जो कुछ आएगा. Whatever will come. जो कुछ आएगा. It will fly from you. वह आपके सामने से भाग जाएगा. बिकॉज क्योंकि यू हैव आपके पास कमिटेड 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 अधीनता. आप अधीनता को सबमिटेड अधीनता को आप स्वीकार करें. यू हैव सबमिटेड योरसेल्फ टू बिफोर क्राइस्ट. आप यीशु मसीह के अधीन हो जाए. बिकॉज क्योंकि यू हैव आपके पास सबमिटेड आप अधीन हो जाए योरसेल्फ अपने आप को बिफोर क्राइस्ट यीशु मसीह के सामने. आपने अपने जीवन को यीशु के सामने जीरो कर दिया है. यीशु के आगे अधीन कर दिया है. इसलिए वो शैतान की ताकतें आपके सामने रह नहीं सकती यीशु के नाम से. यस यस यस. रहा सेवा हमारे खोलो कलीसिया. इंग्लिश टू हिंदी की शुरुआत हो चुका है. आमीन हालेलुया. हे रामा सलामा. रामा सलामा. That's why I want to tell you. इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ. That's why I want to tell you. इसलिए मैं आपको बताना. No need to bow down before anyone. आपको कोई जरूरत नहीं किसी के सामने घुटने टेकने की. If the man, यदि एक व्यक्ति, if the man has robbing you, robbing मतलब धोखा दे रहा है. अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है. So no need to cry, oh Lord, what's happening? तो आपको रोने की जरूरत नहीं है कि हे मेरे परमेश्वर ये मेरे साथ क्यों हुआ. If you know, if you don't have food to eating, अगर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है. Oh Lord, I'm feeling hungry. और आप ये मत कहें कि हे परमेश्वर मैं भूखा हूँ. No need to cry out. आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं. But you have to say that. बल्कि आपको ये कहने की जरूरत है. Lord, your word is bread of my life. कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए सब कुछ है. You have to say that. आपको ये कहने की जरूरत है. When you feeling hungry, जब आपको भूख लगती है. No need to cry, Lord, please give me, I'm feeling hungry.
आप ये मत कहें कि परमेश्वर मुझे कुछ खाने के लिए दे, मैं भूखा हूँ। But you have to say that. बल्कि आपको ये कहने की जरूरत है, Lord, your word is bread of my life. कि आपका वचन ही मेरे लिए रोटी है। Hallelujah. Praise the Lord. मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कुछ। आप अपनी प्रार्थनाओं को भेजिए। We are here. हम यहाँ पे सुन रहे हैं। All our team. हमारी पूरी टीम कलिशिया। All our team. हमारी पूरी कलिशिया। Our worshipper, our हमारे प्रार्थना योद्धा। Our prayer warrior, our staff, all are we here. हमारे कलिशिया स्टाफ सभी यहाँ पर मौजूद हैं। Only before you, because of. सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। To pray for you. आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। We are here. हम यहाँ पर हैं। In the platform of Jesus. यीशु मसीह के भवन में। In the platform of Jesus. यीशु मसीह के उपस्थिति में। In the under of grace. यीशु मसीह के अनुग्रह में। In the under of grace. यीशु मसीह के अनुग्रह के नीचे। Do you know? क्या आपको पता है? The word of God says. The word of God says. परमेश्वर का वचन कहता है। The word of God says. परमेश्वर का वचन कहता है। Book of Lamentations. Book of. Lamentations. व्यवस्था मेरे। Lamentation बोले तो विलाप गीत। विलाप गीत। Chapter 3. अध्याय नंबर 3. Verse 20, 21. और वचन नंबर 21. Yeah, 21 to 23. 21 से 23 में वचन कहता है। The word of God says. परमेश्वर का वचन कहता है। Every morning. हर सुबह प्रतिदिन grace of God परमेश्वर का अनुग्रह is come in our life हमारी जिंदगी में आता है is revealed in our life हमारी जिंदगी में वो प्रदर्शित होता है every day प्रत्येक दिन every morning प्रत्येक सुबह we have a new grace हमारे पास एक नया अनुग्रह होता है new power हमारे पास एक नई ताकत होती है we have a new mercy हमारे पास एक नई बड़ी दया होती है we have a new blessing हमारे पास नई आशीष होती है new success हमारे पास न्यू सफलताएं होती है नहीं we have everything new हमारे पास सब कुछ नया होता है second corinthians chapter 5 दूसरा कुरिन्थियों और अध्याय नंबर 5 में verse 17 says 17 वचन में all the things are passed away everything became new All the things are passed away. सब कुछ भी पुरानी बातें सब बीत गई हैं और सब कुछ नया हो गया है. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. If we are, if we are, अगर हम follower of Christ, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं. Follower of Christ, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं. No one can. कोई भी नहीं कर सकता No one can have a power to destroy you. कोई भी ताकत आपको नाश नहीं कर सकती No one have a power to destroy me. किसी के पास वो सामर्थ्य पावर नहीं है कि जो आपको नाश कर सके In the name of Jesus. In the name of Jesus. Because in the name of Jesus. क्योंकि In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में Because. क्योंकि Because. क्योंकि Holy Spirit says. पवित्र आत्मा कहता है Holy Spirit says. पवित्र आत्मा कहता है I am a dynamite. मैं dynamite. सामर्थी हूँ। I am a dynamite. मैं सामर्थी हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit says. पवित्र आत्मा कहता है। Your body are temple. हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। The Holy Spirit wants to develop inside of your heart. परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। That's why. इसलिए। No need. कोई जरूरत नहीं है। To bow down before anything. किसी के सामने घुटने टेकने की। Before the money. पैसों के सामने। Before the job. अपनी नौकरी के सामने। Before the sickness. और परेशानियों से पहले Before the weakness. और कमजोरी के सामने Before the poorness. और गरीबी के सामने Whatever. कुछ भी हो If fighting are always going away in your family. और हम मतलब की लड़ाई करते हैं हम हर समय If in your family. अगर हम अपने परिवार में If in your family. अगर आपके परिवार में Every time is fighting is going on. और लड़ाई हर समय होती हैं In husband wife. और पति पत्नी में Brothers and sisters, और भाई बहनों में Mother and father, और माता पिता में In relatives, और रिश्तेदारियों में और आपके दोस्तों में If fighting going on, अगर लड़ाइयाँ होती हैं No need, कोई जरूरत नहीं है To bow down, और घुटने टेकने की Before them, उससे पहले Before them, उनके सामने No need to bow down before them, उनके सामने कोई भी जरूरत नहीं है घुटने टेकने की You must, आपको जरूरत है You must need to bow down before Jesus. आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के सामने अपने घुटनों को टेकने की Jesus. यीशु मसीह के सामने Before Jesus. यीशु मसीह के सामने Before Jesus. यीशु मसीह के सामने Hallelujah. Hallelujah. Before Jesus. यीशु मसीह के सामने Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है Jesus, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों
that Jesus are waiting for you. यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहे हैं. Jesus is waiting for you. यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहे हैं. Jesus is waiting for you. यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहे हैं. Jesus is waiting for you. यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहे हैं. Jesus is waiting for you. यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहे हैं. Just come to him. Just come to him. आप आइए. Come to Jesus. आप यीशु मसीह के पास आइए. Come to Jesus. आप यीशु मसीह के पास आइए. He want to love you. वो आपको प्यार करना चाहता है. He want to love you. वो आपको प्यार करना चाहता है. He loves you. वो आपको प्यार करता है. He loves you. वो आपको प्यार करता है. No one can love you like Jesus. कोई भी आपको यीशु मसीह के जैसा प्यार नहीं कर सकता. Hallelujah. Your brother. मेरे प्यारे. Your brother. आपके भाई. Your mother. आपकी माता. Your sister. आपकी बहनें. Your family. आपके परिवार. Your wife. आपकी पत्नी. Your husband. आपके पति. Your husband. आपके पति. हाँ. If you are seeking. अगर आप कमजोर. If you are seeking. अगर आप देख रहे हैं. If you are seeking the love. अगर आप प्यार को देख रहे हैं. If you are आप प्यार को ढूंढ रहे हैं. अगर आप प्यार को ढूंढ रहे हैं. वो आपको प्यार करता है. He loves you. वह आपसे प्यार करता है. His love is agape love. उसका प्यार जो है वो अनंत काल का है. His love is agape love. उसका प्यार अनंत काल का है. The word of God says. परमेश्वर का वचन कहता है. Book of Isaiah. यशायाह की पुस्तक में. I will. मैं करूँगा. I will. मैं कर सकता हूँ. I will. मैं कर सकता हूँ. मैं. I will. मैं कर सकता हूँ. I will. मैं करूँगा. मैं. Lords, the Lord of our God says. The Lord our God says. हमारा प्रभु परमेश्वर कहता है. हमारा प्रभु परमेश्वर कहता है. The Lord our God says. हमारा प्रभु परमेश्वर कहता है. I will. मैं करूँगा. I will. मैं. I will never leave you. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा. I will never forsake you. मैं. I will never forsake you. मैं तुझे कभी. मैं कभी नहीं. I will always hug you. मैं आपको हमेशा. That love of Jesus. ये यीशु मसीह का प्यार है. That is the love of Jesus. ये यीशु मसीह का प्यार है. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. यीशु मसीह के नाम है. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I want to tell you again. मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ. I want to tell you again. मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ. I want to tell you again. मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ. You can send your prayer request. आप अपनी प्रार्थनाओं को भेज सकते हैं. In Jesus mighty. यीशु के नाम में. In Jesus mighty name. यीशु के नाम में. In Jesus mighty name. यीशु के सामर्थी नाम में. I want to tell you. मैं आपको बताना चाहता हूँ. Mighty. यीशु के सामर्थ्य नाम. The mighty power. यीशु की सामर्थ्य के द्वारा. The Holy Spirit. पवित्र आत्मा. Is want to. Is want. It is want. Wants to dwell. अंदर रहना चाहता है. The Holy Spirit. The Holy Spirit wants to dwell inside of you. पवित्र आत्मा आपके अंदर रहना चाहता है. The Holy Spirit connect with your spirit. पवित्र आपकी आत्मा से जुड़ना चाहता है. को जुड़ना चाहता है. The Holy Spirit wants to come in your mind. पवित्र आत्मा आपके मनों में आपके आना चाहता है. Hallelujah. Hallelujah. If anyone. अगर कोई भी. Younger brother or sister are here. जवान भाई और बहन यहाँ पर मुझे देख रहे हैं. I'm seeing. मैं देख रहा हूँ. I'm seeing. मैं देख रहा हूँ. The many brother and sister are there. यहाँ पर कुछ जवान भाई और बहन हैं. Who are watching me. जो मुझे देख रहे हैं. A girlfriend will leave you. आपकी girlfriend और boyfriend आपको. Leave you. आपको छोड़ गए. He can leave you. वो आपको छोड़ जाए. शादी के लिए प्रार्थना करने है पास्टर जी. ओके वी प्रे फॉर यू. मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. मैरिज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. ऑल द डोर्स आर ओपन. हर एक नया रास्ता खुलेगा. इन जीसस माइटी नेम. यीशु के सामर्थ्य नाम. व्हाट आई वाज टेलिंग मैं आपको क्या बता रहा था. मेनी ब्रदर और सिस्टर आर हियर. बहुत सारे प्रिय भाई और बहन यहाँ पर हैं. हु आर अंडर द रिलेशनशिप. जो कि एक रिश्ते में हैं. बिफोर मैरिज. शादी से पहले. Many are here. बहुत सारे यहाँ हैं. Who have boyfriend, love, girlfriend. जो अपने girlfriend से प्यार करते हैं और boyfriend से प्यार करते हैं. Actually means I don't call that boyfriend and girlfriend. Actually I don't call them. I don't. मैं उसको girlfriend और boyfriend नहीं कहता. मैं उनको girlfriend और boyfriend नहीं कहता. Girlfriend means good friend. Girlfriend का मतलब होता है अच्छी दोस्त. Boyfriend means like brother. और जो boyfriend होता है उसका मतलब होता है अच्छा भाई. Hallelujah. Hallelujah. So I want to tell you, talk about lovers. तो मैं आपको प्यार करने वालों के बारे में बताना चाहता हूँ. Many time.
बहुत बार मेनी 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 सिस्टर्स एंड मेनी ब्रदर्स बहुत सारे भाई और बहन दैट ऑलवेज हैपनिंग जो हर बार होता है वो आपको छोड़ जाते हैं एक दिन इन परिस्थितियों में बट लेकिन इफ यू विल लव अगर आप प्यार करते हैं इफ यू विल मेक हिम योर लवर हिज नेम इज जीसस अगर आप यीशु मसीह को अपना लवर मानते हैं इफ यू विल मेक हिम योर लवर हिज नेम इज जीसस अगर आप यीशु मसीह को अपना लवर मानेंगे ही विल नेवर लीव यू वह आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा He will always with you. वह हमेशा आपके साथ रहेगा Every situation. हर एक परिस्थिति में In every second, each second, every minute, everywhere, wherever you will go, there Jesus will be there. आप हर एक सेकंड में हर एक मिनट में हर एक घंटे में आप चाहे जहां मर्जी जाए वो आपके साथ रहेगा हर समय He will be there. वह वहां पर आपके साथ होगा जहां पर आप जाएंगे When you call him, जब आप उसे बुलाओगे Jesus, यीशु, help me. मेरी सहायता करें The Holy Spirit, पवित्र आत्मा hold your hand, आपके हाथ को पकड़ेगा and he will help you. और वो आपकी सहायता करेगा If you are studying, अगर आप पढ़ रहे हैं The book of God, the word of God says, परमेश्वर के वचन को I will give you wisdom. मैं आपको बुद्धि दूंगा आई विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग मैं आपको समझ दूंगा आई विल मेक यू श्योर परिपक्व मैं आपको परिपक्व बनाऊंगा इन जीसस माइटी नेम यीशु के नाम में दैट इज द लव ऑफ जीसस या यीशु मसीह का प्यार है आई एम अ यंग मैं एक जवान हूँ आई हैव अ लवर मेरे पास एक प्यार करने वाला है आई एम इन रिलेशनशिप मैं एक रिश्ते में हूँ डू यू नो व्हाई आपको पता है क्यों Do you know with whom I am in relationship? Do you know? क्या आप जानते हैं With whom I am in relationship? मैं किसके साथ रिश्ते में हूँ Do you want to know my lover name? क्या आप मेरे प्यार करने वाले का नाम जानना चाहते हैं To whom I love? To whom I love? मैं किससे प्यार करता हूँ So much I love. बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ Without my lover, I can't sleep well. मैं अपने प्यार करने वाले के बिना सो नहीं सकता इफ आई विल वन डे इफ आई एम नॉट टॉक टू हिम अगर मैं किसी दिन उससे बात ना करूं आई कांट स्लीप वेल मुझे नींद नहीं आती है डू यू नो व्हाई आप जानते हैं क्यों आई लव हिम क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं विद ऑल ऑफ माय हार्ट अपने पूरे हृदय दिल से विद ऑल ऑफ माय माइंड अपनी पूरी बुद्धि से विद ऑल ऑफ माय सोल अपनी पूरी आत्मा के साथ डू मेनी आर थिंकिंग ओह माय गॉड यू आर प्रीचिंग एंड यू आर इन लव मेनी Many people will think, Oh my God, you are preaching the word of God and you are in love. और बहुत सारे जन मुझे कहते हैं कि आप प्यार में हो और आप preach कर रहे हो. हाँ, yeah, I'm preaching. हाँ, मैं preach करता हूँ. I am in love. मैं प्यार में हूँ. Do you know? आपको पता है? My lover's name. मेरे प्यार करने वाले का नाम. Just open your eyes and open your ears. Just I'm going to tell you my lover's name. अपनी आँखों को और अपने कानों को खोल लीजिए क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ. My lover's name. मेरे प्यार करने वाले का नाम. His name have a five words. उसके नाम के अक्षर पांच हैं. His name have a five words. उसके अक्षर पांच हैं. First alphabet is there. और पहला जो वर्ड है शब्द G. है. G. G. E. E. S. S. U. U. S. S. Jesus. Yeshu. Is my lover. वह मेरा लवर है. He is my lover. वो मुझसे प्यार करता है. I am in his love. और मैं उसके साथ प्यार में हूँ. That's why. इसीलिए. I can't bow down before anyone. मैं किसी भी के सामने घुटने नहीं टेकता हूँ. Hallelujah. Hallelujah. Because my वाला मेरे साथ है Because my deliverer is with me. क्योंकि मेरा छुटकारा देने वाला मेरे साथ है Because my protector is with me. क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला मेरे साथ है His name is Jesus. और उसका नाम है यीशु His name is Jesus. और उसका नाम है यीशु Who loves me. जो मुझसे प्यार करता है Who loves you. जो आपसे प्यार करता है Who came for you. वो आपके लिए आया Who died for you. वो आपके लिए मारा गया Who died for me. वो मेरे लिए मारा गया His name is Jesus. उसका नाम है यीशु Hallelujah. Just clap for Jesus. यीशु मसीह के नाम से तालियां दे. Just clap for Jesus. यीशु मसीह के नाम से तालियां दे. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Say Hallelujah. Hallelujah. Do you know my lover's name? क्या आपको मेरे प्यार करने वाले का नाम पता लगा? Hallelujah. Hallelujah. I want to give you a solution.
मैं आपको एक हल बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू अ सोल्यूशन। मैं आपको एक हल बताना चाहता हूँ। जस्ट मेक हिम योर लवर। आप उसे अपना प्यार बनाएं। जस्ट मेक योर रिलेशनशिप विद जीसस। आप यीशु मसीह के साथ अपना एक रिश्ता बनाएं। आमेन। आमेन। When you will make your relationship with Jesus, जब आप यीशु मसीह के साथ रिश्ते को बनाते हैं, no one, कोई भी हो, no one can have a power, और किसी के पास भी वो सामर्थ नहीं है। I said no one, मैंने कहा किसी के पास भी नहीं, ना कमजोरियां, devil, ना शैतान, humanity, ना मनुष्य, curse, ना श्राप, sacrifices, ना बलिदान, persecutions, ना persecution, सतावट, ना सताव। I said no one, मैंने कहा किसी के पास भी नहीं। Your mother, ना आपकी माता, your brother, ना आपके भाई, your wife, ना आपकी पत्नी, your sisters, ना आपकी बहन, your friends, ना आपके दोस्त, your relatives, ना आपके रिश्तेदार। I said no one, मैंने कहा कोई भी नहीं, किसी के पास नहीं। No one have a power. किसी के पास वो ताकत नहीं है। No one, I said, have a power. मैंने कहा किसी के पास भी वो ताकत नहीं है। To destroy you. कि आपको नाश कर सके। I said no one. मैंने कहा किसी के पास भी नहीं। I said no one. मैंने कहा किसी एक के पास भी नहीं। Have a power. वो ताकत नहीं है। To destroy you. आपको नाश कर सके। To make you depression life. कि आपकी जिंदगी को वो तनाव में लेके जा सके। Are you hearing me? मैं आपको सुन रहा हूँ। Are you hearing me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? I said no one. मैंने कहा किसी के पास भी नहीं। Many brother and sister are here. बहुत सारे भाई और बहन यहाँ पर मुझे देख रहे हैं। In this world. और इस संसार में। Who are living in depression? वो तनाव में हैं। Who are living under the drugs? वो नशों के अधीन हैं। Who are the living under the smoking? वो नशों के अधीन हैं और वो बीड़ी और सिगरेट पीते हैं। Do you know why? आपको पता है क्यों? Because his lover has made him roping him. क्योंकि वो अपने प्यार करने वालों को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि उसको किसी ना किसी ने धोखा दिया। क्योंकि उसको किसी ना किसी ने धोखा दिया है। Because anybody has robbing him. और किसी ना किसी कोई आपको धोखा दे रहा है। That's why. इसलिए। He is under the smoking. वह नशे के अधीन है इसलिए। Because he has is in his heart some depressions. उसके दिल में तनाव है। And no one have a power, no one are in the world to whom he will share his before whom he will open his heart. और ऐसा कोई भी नहीं उसकी जिंदगी में कि वो अपने दिल की परेशानी को उसको बता सके। Many brother and sister, बहुत सारे भाई और बहन हैं। They are destroying their lives. वो अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। They are destroying their lives. वो अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। By the smoking. और बीड़ी सिगरेट पीने के द्वारा, by the drugs, और ड्रग्स लेने के द्वारा, by the drinking, और शराब पीने के द्वारा, they are society, और वो अपना जी आत्महत्या करने की कगार पर हैं, they are fish that they are finishing their life, वे अपनी जिंदगी को नाश कर रहे हैं, do you know why? आपको पता है क्यों? Because they have inside of their heart some pain. क्योंकि उनके दिल में बहुत ज्यादा दर्द है। And they are seeking. और वे कमजोर हैं। They are seeking. वो देख रहे हैं। और वो देख रहे हैं ऐसी। To who will come to share our situation? कि कौन है जिसके सामने हम अपने दिल को खोल सकते हैं, अपनी परेशानी को बता सकते हैं? No one. लेकिन कोई भी नहीं है। Even his mother father also. उसके माता पिता भी नहीं। His brother and sister also. उसके भाई बहन भी नहीं। His wife and husband also. उसके पति पत्नी भी नहीं। Because no one are understanding them. क्योंकि कोई भी नहीं समझता है। I want to tell you. मैं आपको बताना चाहता हूँ। One is there. एक है जो है। One is there. यहाँ पर है। Who will understand you? जो आपको समझ सकता है। Hallelujah. Hallelujah. Do you know who? आप क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन है? Do you know who is he?
क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन है? क्या आप जानते हैं वो कौन है? क्या आप जानते हैं वो कौन है? If you don't know, अगर आप नहीं जानते, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ। Jesus, उसका नाम है यीशु। He is ready, वो तैयार है। Help you, आपकी सहायता करने के लिए। He is ready, वो हमेशा तैयार है। To hear your voice, आपकी आवाज को सुनने के लिए। He is ready, वह तैयार है। To hold you, आपको बचाने के लिए। Wherever you fall down, जब भी आप गिरते हैं यहाँ पर भी वो तैयार है। टू होल्ड योर राइट हैंड, आपके हाथ को, आपके राइट हैंड को पकड़ने के लिए। ही इज रेडी टू होल्ड योर बाय योर राइट हैंड। ही इज रेडी टू होल्ड यू बाय योर राइट हैंड। वह आपको तैयार है पकड़ने के लिए अपने हाथ से, अपने दाहिने हाथ से। एंड व्हेन यू विल कीप योर हैंड इन हिज हैंड, और जब अपना आप अपना हाथ उसके हाथों में देते हैं, you will rise again, आप दोबारा से नया जीवन पाते हैं। And never fall down, और फिर दोबारा कभी नहीं गिरते। He will never allow to fall down, मैं आपको दोबारा कभी गिरने नहीं देता। Because, क्योंकि always, हमेशा, everywhere, हर जगह, always, हमेशा, everywhere, हर जगह, any situation of your life, हर एक परिस्थिति जो आपके जीवन में आती है, He is with you and with me, वो आपके साथ और मेरे साथ हमेशा है। His name is Jesus, उसका नाम है यीशु। Only one is Jesus, सिर्फ और सिर्फ यीशु। Only one is Jesus, सिर्फ एक ही यीशु। Amen, amen, amen. Do you understand the word of God, the devil fly from you? आप समझ रहे हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Do you understand why I was telling no need to bow down before anyone? क्या आप जानते हैं कि मैंने क्यों कहा कि आपको शैतान का मुकाबला करना है? I hope you will understand. अब कि जो महसूस हुआ कि अब आ जाए हैं। Now I hope. Now you will understand. और अब मुझे आशा है कि आप इसको समझ रहे हैं। And now I have hope you will never bow down before. और अब मुझे आशा है कि अब आप अपनी परेशानियों के सामने घुटनों को नहीं टेकेंगे। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. God bless. परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Brother. मेरे प्रिय भाई, my dear sisters, मेरी प्रिय बहनों, to whom I was praying, to whom? संगम यादव, संगम यादव, brother संगम यादव, भाई संगम यादव, I want to give you congratulations, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, in advance, पहले ही, for your marriage, आपकी शादी से पहले ही, because I'm seeing in my spirit, क्योंकि मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूँ, the doors are open. नए दरवाजे खुल रहे हैं। Every doors, every barrier of the devil's spirit has broken. और शैतान का हर एक बंधन टूट रहा है। In Jesus mighty name. यीशु के सामर्थी नाम में। Every curse broken. और हर एक श्राप टूट रहे हैं। The mighty fire of the Holy Ghost is coming upon you. और पवित्र आत्मा की बड़ी सामर्थ आपके द्वारा आपके ऊपर आ रही है। The Holy Spirit, the fire of the Holy Ghost is coming in you. और पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर आ रही है। In your life partner's life. और आपके जीवन साथी की जिंदगी में भी। And I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ। When your life partner will come, जब आपका जीवन साथी आपके पास आएगा, she is a blessing for you. वो आपके लिए आशीष का कारण होगा। When she will come, the many doors will open. बहुत सारे रास्ते, नए रास्ते खुलेंगे। She will bring many blessings in your life. और आपके जिंदगी में बहुत सारी आशीषें आ जाएंगी। Jesus name. यीशु के नाम में। I'm seeing in my spirit. मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूँ। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Brother Chandresh Parmar. भाई चंद्रेश परमर, परमार। परमर। परमर। भाई चंद्रेश परमार। भाई चंद्रेश परमार। Just I want to give you also. मैं आपको भी कुछ देना चाहता हूँ। Just I want to give you also. मैं आपको भी कुछ देना चाहता हूँ। राम राज के I'm saying चर्च प्रेयर में रहना है प्लीज। कुछ अलग हो रहा है आज। रे आमा से मुझे अपना काम करने दीजिए, आप अपना कीजिए। No need to keep quiet and silent. और यहाँ पर चुप होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। If you will come silent, अगर आप शांत होते हैं,
sleeping will come. और नींद आ जाएगी. And you will sleep. और आप सो जाओगे. And you will sleep. और अगर आप सो गए, you will lose your blessings. और आप अपनी आशीषों को खो दोगे. We are here. हम यहाँ पर हैं. Not for sleeping. सोने के लिए नहीं. But because for the prayer. और सिर्फ प्रार्थना करने के लिए. We are here. हम यहाँ पर हैं. Not for the keep quiet. चुपचाप और शांत रहने के लिए नहीं. But we are here. लेकिन हम यहाँ पर हैं. But we are here. परंतु हम यहाँ पर हैं. Open your mouth. अपने मुंह को खोलने के लिए. And filled with Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा. Book of Psalms. और भजन संहिता में. Verse 8, verse 20, verse 81, verse 10 says. भजन संहिता 81 के 10 में परमेश्वर का वचन कहता है. I am your Lord or your God. मैं तुम्हारा परमेश्वर. मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ. Who brought you from Misr? जो तुम्हें मिस्र से निकाल के लेकर आया. That's why. इसलिए. Open your mouth. अपने मुंह को खोलो. And I will fill that mouth with the power of the Holy Ghost. और मैं उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा भर दूंगा. भाई चंद्राज परमर. I'm seeing in your family something. मैं आपके परिवार में कुछ देख रहा हूँ. I'm seeing a sick people. मैं कुछ कमजोर व्यक्तियों को देख रहा हूँ. Who are weak in his heart. वो अपने उनके दिल में वो अपने दिल से वो बहुत कमजोर हैं. Whatever you will say to him, whatever you will talk to him, he will suddenly start crying. वो चाहे रोते हो या कुछ भी कहते हो. If you will say, why you did that? और अगर वो कहते हैं कि यह क्यों किया? He will start. और वो रोना शुरू कर देते हैं. He is weak. वो कमजोर हैं. But now, लेकिन अब, the love of God. परमेश्वर का प्यार. The love of God. परमेश्वर का सिद्ध प्रेम. Coming in his life. उसकी जिंदगी में आएगा. In her life. उनकी जिंदगी में आएगा. In his life, in her life. आपके बेटे और बेटी की जिंदगी में आएगा. In their lives, the love of God is coming. और उनकी जिंदगी में परमेश्वर का प्यार सिद्ध प्यार आएगा. Just tell them. उनको बता दीजिए. Jesus is loves. यीशु मसीह आपसे प्यार करता है. उनसे प्यार करता है. He loves you so much. उसका प्यार अनंत है आपके लिए. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. I want to congratulations also. मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ. I want to give you congratulations also. मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूँ. Advance in your marriage. आपकी शादी से पहले. You both. आप दोनों. When you will come one. जब आप एक हो जाओगे God's side. परमेश्वर की ओर से. धन्यवाद. आपको प्रार्थना करना जरूरी होगा. आपको बहुत जरूरी होगा परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय बिताना. Before become one. जब आप एक उससे पहले. Before your marriage. आपकी शादी से पहले. You have to pray. आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी. You must spend time with Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है. I don't care. मुझे नहीं पता. What you will think about me? आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में? How can he is telling like that? कि मैं इस तरह से कैसे बता रहा हूँ? But I am praying always. और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ. I don't know. मुझे नहीं पता. आप बोलेंगे कि ये कैसे बोल रहे हैं? मैं तो प्रार्थना करता हूँ, but ये कैसा बोल रहा है? I don't care. मैं जो भी पवित्र आत्मा से सुन रहा हूँ, that one I'm telling. इसलिए आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. You must spend time with Holy Spirit. आपको बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना. With holiness. और पवित्रता के साथ. I don't know. मैं नहीं जानता. What's wrong going on?
कि क्या कुछ गलत चल रहा है आपकी जिंदगी में. What was wrong going on? क्या कुछ गलत चल रहा है आपकी जिंदगी में? क्या आपके साथ गलत हुआ? And what is going on? और क्या गलत चल रहा है? What was happening? और क्या कुछ गलत हुआ? हुआ था. और what is going on? और क्या कुछ गलत हो रहा है? Don't care. आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है. मैं फिक्र नहीं करता हूँ. But I want to tell you that. But लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ. Just you must spend time in the Holy Spirit. अभी आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के साथ समय बिताने की जरूरत है. With fasting. और वो भी उपवास प्रार्थना के साथ. Hallelujah. In week you have to pray and fast one day. और आपको एक हफ्ते में कम से कम एक उपवास प्रार्थना की जरूरत है. If you doing it well. अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. If you already doing it well. अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है. If you are doing it, so you have to start too. अगर आप शुरू कर रहे हैं. If you are already doing. अगर आप कर रहे हैं पहले से ही. So you have to spend time in the week 2 days. तो आपको 2 दिन यीशु मसीह की प्रेजेंस में बिताने की जरूरत है. With fasting. उपवास प्रार्थना के साथ. With prayer. और प्रार्थना के साथ. Jesus my name. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम. When you will do that. और जब आप यह करोगे. When you will do that. और जब आप यह करोगे. You will see in your life. और आप देखोगे अपनी जिंदगी में. You will see in your life. आप अपनी जिंदगी में देखोगे. You will see in your life. और आप अपनी जिंदगी में देखोगे. The mighty doors will open for you. और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे. He is ready to opening the door. वह तैयार है आपके लिए नए दरवाजों को खोलने के लिए. But you must ready to receive that all. लेकिन आपको जरूरत है कि आप उसको स्वीकार करें. You must need to ready to receive that all. और आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप उसको अपने लिए स्वीकार करें. आपको जरूरत है कि आप अपने आप को तैयार करें चीजों को ग्रहण करने के लिए. But you must ready to receive. आपको तैयार होने की जरूरत है उन आशीषों को लेने के लिए. May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Thank you. धन्यवाद. Lord, we pray. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ. In the name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में. Jesus mighty name. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में. Lord. परमेश्वर. Thank you. धन्यवाद. For your wonderful words. आपने जो अच्छे शब्दों को दिया. For your wonderful revelation. आपने जो अपने अद्भुत प्रकाशनों को दिया. Thank you. धन्यवाद. We praise you. मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ. Not today night. मैं आज की रात. Today morning. आज की सुबह. We learn. मैं सीखता हूँ. I have learned. मैंने जो सीखा. No need. कोई जरूरत नहीं. To bow down before anyone. किसी के सामने घुटने टेकने की. Jesus mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम. That word. परमेश्वर का वचन कहता है. That word. I receive in my life. जो शब्द मैंने अपनी जिंदगी में आज लिया है. I receive in my life. जो मैंने अपनी जिंदगी में लिया है. In Jesus mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम में. In the name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम. I will never and ever. मैं कभी भी नहीं. Never and ever. मैं कभी भी नहीं. Never and ever. मैं कभी भी नहीं और. Right. Never and ever. मैं कभी भी नहीं. कभी भी नहीं और कहीं भी नहीं. Never and ever. मैं कभी भी नहीं और कहीं भी नहीं. Never and ever. मैं कहीं भी नहीं और कभी भी नहीं. I will bow down. मैं घुटनों को नहीं टेकूंगा. Before any situation. मैं किसी भी परिस्थिति के सामने. Whatever the people says about me, I don't care. मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. I will never bow down before them. मैं घुटनों को अपने टेक नहीं टेकूंगा. Because. क्योंकि. I have Jesus. मेरे पास यीशु मसीह है. I have blessing. मेरे पास आशीष है. I have power. मेरे पास सामर्थ्य है. I have heaven. मेरे पास स्वर्ग है. I have salvation. मेरे पास उद्धार है. I have family. मेरे पास परिवार है. I have brother. मेरे पास भाई है. I have sister. मेरे पास बहन है. I have church. मेरे पास कलीसिया है. I have कलीसिया. मेरे पास कलीसिया है. I have church. मेरे पास कलीसिया है. I have mighty power the Holy Spirit. मेरे पास पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य है. That's why. इसीलिए. I never. मैं कभी भी नहीं. I never. मैं कभी भी नहीं. Never bow down. मैं कभी भी अपने घुटनों को नहीं टेकूंगा. Whenever. जब. I bow down. जब मैं घुटनों को टेकता हूँ. Whenever I bow down. मैं कहीं भी घुटनों को टेकूंगा. जब कभी. Whenever I bow down. जब कभी भी मैं अपने घुटनों को टेकता हूँ. Only before Jesus. सिर्फ और सिर्फ यीशु के सामने टेकूंगा. Only before Holy Spirit. सिर्फ और पवित्र आत्मा के सामने टेकूंगा. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में. Whosoever. Whosoever. जो कोई. Whosoever. जो कोई. Whosoever. जो कोई. Will hear that message. यह संदेश सुन रहा है.
whosoever hearing, जो कोई भी ये है मैसेज सुन रहा है, and who shall hear, और जो सुन चुका है, who shall hear, जो सुनेगा, और जो सुनेगा, that mighty in the name of Jesus, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, that mighty blessings will be there, और बहुत सारी अद्भुत आशीष उसकी जिंदगी में आएगी, will come in their lives, और यीशु मसीह के नाम में उधार आएगा, in Jesus, यीशु के नाम में, amen, 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 glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Praise the Lord. प्रभु की प्रशंसा हो। Say praise the Lord. कहो प्रभु की प्रशंसा हो। Say praise the Lord. प्रभु की प्रशंसा हो। Hallelujah. 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 Amen. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. क्या आपको पता है टाइम कितना हो चुका? No need to tell them. No need to tell them. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Now, last satana. Glory. Mahima. Glory. Mahima. Glory of Jesus. Yeshu Masih ki mahima. Is here. Is here. यहाँ पर मौजूद है. We are feeling. हम महसूस कर रहे हैं. The fire of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की आग को. Is burning in our prayer room. हमारी प्रार्थनाओं में वो जल रही है. In our prayer room. हमारे इस प्रार्थना के कमरे में है. The mighty power. परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ. हे राधा. Welcome back, oh God. Jesus. God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे. God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे. In the name of Jesus, God bless. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आशीष. In the name of Jesus, bless. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आशीष मिले. As a servant of God, प्रभु के दास होने के नाते, I bless you. मैं आपको आशीष देता हूँ. I release the deliverance in your life. I release a deliverance in your life. मैं आपकी जिंदगी में एक अद्भुत छुटकारे को बोलता हूँ. I release. मैं देता हूँ. I proclaim. मैं घोषणा करता हूँ. मैं घोषणा करता हूँ. Be free. आपको मैं आपके आजाद होने की मैं घोषणा करता हूँ. In Jesus name. यीशु के सामर्थी नाम. Poverty from heaven will come in your life. Poverty बोले तो आत्मिक धन. मैं स्वर्गीय आत्मिक धन को आपकी जिंदगी में बोलता हूँ. The spiritual poverty I proclaim in your life. मैं आत्मिक धन को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी जिंदगी में बोलता हूँ. Name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम में. The name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम में. I bless you. मैं आपको आशीष देता हूँ. I make you free. मैं आपको आजाद घोषित करता हूँ. As a servant of God. प्रभु के दास होने के नाते. As a child of God. प्रभु के बच्चा होने के नाते. I proclaim be free. मैं आपको आजाद घोषित करता हूँ. मैं आपको आजाद घोषित करता हूँ. Name of Jesus. प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में. Whoever are sick. जो कोई भी कमजोर हो. Whosoever are sick. बीमार. जो कोई भी बीमार है. Be healed. चंगे हो जाओ. Jesus mighty. यीशु के सामर्थ्य नाम में. Power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा. Holy Spirit of not a spirit of weakness. जो पवित्र आत्मा है वो weakness. Not a spirit of weakness. वो कमजोरी का आत्मा नहीं है. Not a spirit of sickness. वो बीमारी का आत्मा नहीं है. The spirit of strength. वो मजबूती का आत्मा है. But the spirit of the salvation. वो उद्धार का आत्मा है. In Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम में. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. The blessings will be the blessings of heaven will be in your life. और स्वर्ग की सभी आशीषें आपकी जिंदगी में आए. According to book of Ephesians chapter 1 verse 4. और इफिसियों के पत्र उसका पहला अध्याय उसके चार वचन में. He has called us. वो हमें कहता है. He's called us. वह कहता है. उसने हमें बुलाया. To, for the blessing. आशीष लेने के लिए. He called us to give every types of blessing. उसने हमें हर प्रकार की आशीष लेने के लिए बुलाया. Amen. Amen. So I release the blessings. तो मैं आपकी जिंदगी में सारी आशीषों को देता हूँ. In your life. आपकी जिंदगी में.
in your life. आपकी जिंदगी में. Hallelujah. Hallelujah. Say Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. God bless you. परमेश्वर